कुतुब से मुतालिक 6 मुनफरिद हकायक जो आपको हैरान कर सकते हैं। मशरिक वस्ता के ममालिक अक्सर हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी बुनियादी वजह इन ममालिक की मुनफरिद सकाफत है जो दुनिया के दीगर ममालिक से इंतहाई मुख्तलिफ नजर आती है। इन ममालिक में शानदार रस्म और रिवाज और आदाब के कुछ खास उसूल हैं। कतर सऊदी अरब का हमसाया एक छोटा मुल्क है और उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अगर आप वहाँ सफर करने पर गौर कर रहे हैं तो कुछ उनके तौर तरीकों से मुतालिक भी जान लें। आम तौर पर पूरी दुनिया में जब मर्द आपस में मिलते हैं तो खुश आमदीद के इजहार के तौर पर मुसाफहा करते हैं, लेकिन कतर में ये मामला बिल्कुल जुदा है। कतरी जब आपस में मिलते हैं तो सलाम करते वक्त उनका एक दूसरे की नाक की नोक को छूना आम बात है। ये इस बात की अलामत होता है कि हम दोनों में से ना तो कोई बर्तर है और ना ही बर्तर। कतर में बातचीत के आगाज का ये तरीका बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग जब किसी से मिलते हैं तो सीधा अपने मिलने की वजह पर बात करने लगते हैं, लेकिन कतर में किसी किस्म की भी बातचीत शुरू करने से कबल एक दूसरे की सेहत के हवाले से जाना जाता है, चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हुआ फिर कोई कारोबारी मीटिंग। एक दूसरे का ये हाल अहवाल इंतहाई शाइस्ता अंदाज में पूछा जाता है। आजकल हम लोगों को अक्सर अवाम के दरमियान तस्वीरें लेते और फिर वीडियो बनती देखते हैं, लेकिन कतर में जब भी कोई शख्स किसी चीज की तस्वीर खींचना चाहता है तो पहले वो इजाजत तलब करता है। हम यहाँ मजहबी मकाम, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डे के बड़े इलाके, फौजी तंसीबात, तामीराती मकामात, सनती जोन्स और सरकारी इहातों के बारे में बात कर रहे हैं। अवामी जगह पर फोटो खींचना जुर्म समझा जाता है और अगर आप कानून का एहतराम नहीं करते हैं तो आपको उसके नतीज भुगतना होंगे। जोड़े की शक्ल में कतर का सफर करने वालों के लिए जरूरी है कि वो इस मुल्क के चंद कवानीन का खास ख्याल रखें। अब तक कतर में सैर और तफरी के गरज से आने वाले गैर शादी शदा जोड़ों पर एक ही कमरे में साथ सोने पर पाबंदी आई थी, लेकिन अब कतरी हुकूमत इस मामले में लचक का मजारह किया है। लेकिन कतरी शहरियों के लिए ये कानून अभी भी लागू है। याद रहे कतर एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम में इस तरह के अमल की सख्त ममानत है। मगरबी ममालिक में लोग अपनी मर्जी का लिबास पहनते हैं और उन हुकूमत की जानिब से किसी मखसूस लिबास के जेब तन करने पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन कतर में ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ लिबास के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं जो बताते हैं कि आपको कैसा लिबास पहनना है और कैसा नहीं। कतर में अच्छे अखलाक के साथ रहने का हुक्म है, इसीलिए यहाँ एक ही प्लेट में दूसरों के साथ खाना बातचीत की एक बेहतरीन शक्ल करार दिया जाता है। एक और खुश आइंद इशारा ये है कि कोई अपने हाथों से आपकी प्लेट में खाना डाले। इसके अलावा खाना आमतौर पर हाथों से खाया जाता है, हालांकि खाने वाले अलहदा अलहदा घरों से ताल्लुक रखते हैं।